आज की व्यस्त नारी, गर्व है आज नारी तुझ पर, तूने व्यस्त रहने के तरीके को बदला है। पहले पिसते थे मसालों के साथ ओखली में सपने तुम्हारे, व्यस्त था पूरा जीवन तुम्हारा इन्हीं कुटते मसालों के साथ। अब तू व्यस्त है अपना करियर बनाने को, अब तू व्यस्त है अपना करियर बनाने को, और अब तू व्यस्त है देश का नाम आगे बढ़ाने को। तो गर्व है आज की नारी तुझ पर, तूने व्यस्त रहने का अपना तरीका बदला है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करती हूँ इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी वड़क कम एंसस्त्रियाकाल, मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ और मज़े में होगा। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं करने वाली हूँ अपने डाइनिंग रूम का थोड़ा सा मेकओवर, और किस तरह से करूँगी वो मैं आप सभी को ज़रूर दिखाऊँगी। फिलहाल यहाँ पर हस्बैंड जी सोए हुए हैं और ध्रुव उठ चुका है, तो वो अपना फेवरेट कार्टून देख रहा है, और इसी बहाने मेरी जो मॉर्निंग की क्लीनिंग है वो हो रही है। और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है, बहुत बहुत ज़्यादा अभी टाइम है सुबह का, तो बस यही टाइम होता है मेरे पास कि मैं एक अच्छे से किसी भी चीज़ को क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिन तो पूरा निकल आया है, लगभग 6:30 बजे का टाइम है तकरीबन, और आज कोहरा बहुत कम है हमारे यहाँ पे, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। और मुझे तो कोल्ड इतना ज़्यादा हो गया है कि वीडियो डालने का आज बिल्कुल भी मन नहीं था। और यही है डाइनिंग रूम मेरा, और इसी का आज मैं मेकओवर करूँगी और आप सभी के सामने करूँगी किस तरह से बिना कोई पैसा खर्च किए। और सबसे पहले जो डस्टिंग का काम है वो मैं करूँगी यहाँ पे। तो ये जो दरवाज़ा है, वैसे तो मैं इसको तीसरे दिन या हफ्ते में एक आध बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, बट अभी विंटर की वजह से ना इसे हफ्ते भर से भी ज़्यादा हो गया साफ किए हुए। बहुत बहुत कम टाइम मतलब मैं यहाँ पर लगाती हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि बाहर ना बिल्कुल भी साफ़ सफाई करने का मौका ही नहीं मिल रहा, और ध्रुव मुझे इतना टाइम ही नहीं देता मॉर्निंग में कि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। तो कोल्ड होने की वजह से आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सोकर, तो ध्रुव भी मेरे साथ ही उठ चुका था और आज वो प्रॉपर नींद अपनी ले चुका था, इसलिए परेशान नहीं कर रहा था इतना। तो मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ का थोड़ा सा मेकओवर कर देती हूँ, और बहुत बहुत टाइम भी हो गया था यहाँ पे कुछ भी कोई क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी मेरी, तो इसलिए बस इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई थी अभी क्लीनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग कर ली है, पूरा दरवाज़ा अच्छे से झाड़ लिया है, और उसके बाद जो बालकनी का फर्श होता है ना उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा गर्म पानी डाला है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना वाइट टाइल्स है तो वो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही गंदी हो रही थी ये। इतना फ़ोन में आपको क्लियर नहीं दिख रही होंगी, बट एक काई सी जम गई थी जो कोहरा बरसता है ना उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, और जो धूल होती है वो धूल सारी जम गई थी। तो मैंने पूरा अच्छे से पहले इसको धोया है, उसके बाद ही मैं पूरा क्लीन करूँगी इसको अच्छे से। और इस यहाँ पर जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर भी हो जाता है, तो इसलिए मैं रोज़ पानी नहीं डाल पाती हूँ यहाँ पे, और मेरी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो प्लीज़ आप सब इग्नोर करना। और यहाँ की जो क्लीनिंग है वो मेरी लगभग हो ही चुकी है, और उसके बाद बारी आती है इस बेड पे जो कपड़े पड़े थे उन कपड़ों को मैं अच्छे से डाल दूँगी कहीं और, और कहीं और क्या, आज में मौसम अच्छा है थोड़ा सा तो ऊपर ही डाल के आऊँगी, बट सबसे पहले मैं यहाँ की पूरी क्लीनिंग करूँगी। और ये जो है ना ये मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, तो इसको मैंने अच्छे से अभी कवर डाल के ढक के रखा हुआ है, और जब मेरी सिलाई का काम होता है तभी मैं इसको निकालती हूँ। तो सिलाई का काम तो अभी भी मेरा बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन सर्दी की वजह से मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी सिलने का, तो बस सोचा कि जो कम पानी का काम है वो काम मैं पहले कर लेती हूँ और उसके बाद ही मेरे सारे काम शुरू होंगे। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ था, हमारे ये होम थिएटर वगैरह रखे हुए हैं, इनको ना मैंने एक चादर से, जो चादर रखी हुई थी उनको कवर्ड करके अच्छे से रख दिया है ताकि धूल मिट्टी इन पर ना पड़े। और वैसे तो ये हमेशा ढके हुए रखे होते हैं, लेकिन जब न्यूयॉर्क की साफ़ सफाई हुई थी ना तो जो चादर है वो मैंने वॉश की थी, उसके बाद से ये यूज़ भी हुए थे, तो हम लोगों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस पर। और जब ये मैंने बेड हटाया ना तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काई जमी हुई थी, बहुत ज़्यादा, और ये बेड बहुत बहुत ज़्यादा भारी है, मैं मतलब इसको हाथ से अगर खिसकाती हूँ ना तो मेरी बैक पूरी पेन हो जाती है, तो मुझे इस तरह से खिसकाना पड़ता है इसको, और पूरा स्लिप होने का यहाँ पे डर रहता है बहुत ज़्यादा। और ये जो टाइल्स है ना वाइट है बिल्कुल, तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और वैसे तो मैं रोज़ यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ लेकिन डीपली नहीं हो पाती है, तो सोचा आज डीपली कर दूँ थोड़ा सा।
तो जो बेड के नीचे थी वो तो पूरी क्लीनिंग हो गई है, और बारी आती है अब अच्छे से यहाँ को जो ये टाइल्स है इसको पूरा क्लीन करने की। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, और मैंने जो पोछा है ना वो पूरा गर्म पानी में डिप करके लिया है ताकि जितनी भी मैल है ना यहाँ पे वो सारी क्लीन हो जाए बहुत ही अच्छे से। और गर्म पानी से पोछा लगाने से ना बहुत बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है फर्श, और जितनी भी चिकनावट होती है ना वो बहुत जल्दी से चली जाती है। तो मैंने ऑन कर दिया है यहाँ पर फ़ैन, और फ़ैन चला दूँगी में थोड़ी देर हाई स्पीड पे ताकि जो फर्श है ना वो अच्छे से सूख जाए, ताकि जब मैं यहाँ पे सामान लगाऊं और सोफे वगैरह लगाऊं तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी जो निशान होते ना पड़ जाते हैं जूते चप्पल के वो नहीं पड़ेंगे। तो पहले हम फर्श को पूरा अच्छे से सुखा लेंगे, और उसके बाद ही यहाँ पे जो सोफा रखा हुआ है ये बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है निकलने बढ़ने में यहाँ पे। तो मैंने सोचा इसको यहाँ से हटा ही देती हूँ, बहुत टाइम से इधर से उधर इधर से उधर हो रखा था ये, तो इसको अभी मैं एक फाइनल लुक देने वाली हूँ। और इस सोफे को भी बेचारे को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होगी क्योंकि ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि पता नहीं किधर किधर मुझे लगाती रहती है ये, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने सोचा इसको एक अच्छे से स्टोर ही कर देती हूँ मैं, और फिर वैसे भी ये बैठक है तो जो भी कोई आता जाता है तो वो यहीं पर उसको हम लोग गेस्ट के तौर पर बिठा लेते हैं, और चाय पानी जो भी होता है उसको यहीं दे देते हैं। और ये सोफा इतना हल्का भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे होंगे, हालांकि ये पीड़ा का बना हुआ है बट बहुत ज्यादा हैवी था, तो इसलिए मुझे पूरा खिसका खिसका के इसको लाना पड़ा। और फाइनली मैंने इसको लगा दिया, और बहुत बहुत कोशिश से मैं ये सब कर पा रही हूँ क्योंकि ठंड कितना ज़्यादा है ना ये सिर्फ मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे कोल्ड लगा हुआ है और ऊपर से ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और ये जो जैकेट मैं पहनती हूँ ना ये जैकेट बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, तो इस वजह से मैं सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ। तो जो भी विंटर की क्लीनिंग होती है ना उसको करने से पहले सबसे ज़रूरी काम होता है हमें अपने आप को पूरा अच्छे से कवर्ड करना। तो मैं पूरे से अपने आप को कवर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो भी मेरे काम होते हैं ना उनको शुरू करती हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था जो इसके छोटे वाले सोफ़े हैं यानी अलग से जो हैं एक एक उनको मैं किधर लगाऊं, तो इतना मुझे अभी सोचने विचारने का टाइम थोड़ा सा चाहिए था। तो मैंने सोचा इतने में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो बेडशीट को नीचे वाली को तो मैंने निकाला नहीं क्योंकि वो भी धुली हुई है, और फिर मैंने सोचा यहाँ पे एक नई बेडशीट बिछा देती हूँ जो कि बहुत अच्छा एक लुक देगी। और कोई भी जब इस तरह से आएगा ना गेस्ट, अगर अपने घर में कोई आता है तो कितना अच्छा लगता है अगर हम उसको नया नया कोई लुक इस तरह से क्रिएट करके दें तो, और बहुत ही अच्छी सी एक फीलिंग भी आती है साथ ही साथ। तो जितने भी यहाँ पर टेडी वियर थे मेरे पास वो भी मैंने एक यहाँ पर लगा दिए हैं, और बीच में वैसे टेबल भी आ सकती है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने सोफ़ों को सेट कर दिया है, और अभी एक चेयर बचा हुआ है तो उसको भी मैं कुछ ऐसे ही सेट कर दूंगी। और अभी विंटर का सीज़न है तो इस तरह से आप अपने डाइनिंग रूम को ना कैरी कर सकती हैं, मतलब इस तरह बहुत ही एक अच्छा सा स्पेस है। तो मैंने पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से, और जो भी मुझे करना था वो मैंने कर दिया है, और अभी मैं लाइट्स जलाकर आप सबको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने फर्स्ट लाइट जलाया है, और उसके बाद मैं दो लाइट्स और जलाऊंगी, तो जितना मेरे पास लाइटें हैं उतना ही मैं जला रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा सा लुक दे दिया है मैंने अपने डाइनिंग रूम को। उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है भोलेनाथ जी का, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है ये, और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे साथ ही साथ राधा और कृष्ण का भी सीनरी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने पूरा डेकोरेट कर दिया है, और बहुत ही सिंपल, और बस थोड़ी सी अपनी सूझबूझ से। और कोई भी गेस्ट आएगा इस तरह से तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि हम लोग कहाँ बैठे हैं और कैसे मतलब सिकुड़ना होता है ना एक सर्दी में, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम लोग गर्म चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो विंटर में इस तरह से हम लुक देंगे ना अपने बेडरूम को, डाइनिंग रूम को और गेस्ट रूम को, तो गेस्ट जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे देखकर हमारी एक अच्छी सी प्रिपरेशन। तो आपको मेरा डाइनिंग रूम लुक कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ। और सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ आप सभी अपना बहुत ध्यान रखना। और मुझे कल एक दीदी का कॉमेंट आया था कि ठंड बहुत ज़्यादा है, बाबू का ध्यान रखो, तो मैं जितना उसका ध्यान रखती हूँ ना दीदी उतना ज़्यादा वो मुझे परेशान करता है, और उतना ही ज़्यादा मतलब एक होता है ना बच्चों के अंदर सॉक्स भी नहीं पहनता है, शूज़ भी नहीं पहनता है, और बिस्तर पे बैठते ही सॉक्स शूज़ दोनों निकलवा देता है जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ जाता है। तो चलिए अभी इस वीडियो करूँगी यही पेंड, और आप सबसे मिलूंगी कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना।